अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आज हमारे पास आई है होंडा की स्कूटी BS6, जिसमें कि चेक इंजन की लाइट आ रही है और साथ ही इसमें पिकअप जो है वो कम हो गया है। ये आप देख सकते हो वीडियो में, इसमें चेक इंजन की जो लाइट है वो आ रही है। इसको हमने स्कैन किया तो ये जो फॉल्ट कोड है ये गाड़ी में आ रहा है। तब ये फॉल्ट कोड आपको कैसे देखना है, तो ये आप देख सकते हो OBD केबल जो है इसका ये यहाँ पर लगेगा, इसको हमने लगा दिया। और ये स्कैन कैसे होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमको जाना है लोकल डायग्नोस पे और उसमें OBD2 फंक्शन दिया हुआ है, उसमें जाके ये आपका स्कैन हो जाए। तो गाड़ी को जब हमने स्कैन किया तो फॉल्ट कोड हमें वायरिंग से रिलेटेड मिली, तो हमने ये पाया गाड़ी में, ये आप देख सकते हो इस कपलर का एक वायर जो है ये टूट गया है। यानी कि इसको जो है हमने जब गौर से देखा तो चूहे ने इसकी वायरिंग जो है पूरी काट रखी है। ये आप देख सकते हो यहाँ से जो इसकी वायर है ये कट गई है, चूहे ने काट दिया। और भी एक दो जगह इसकी वायर कटिंग थी उसको हमने देख लिया। ये जो कपलर है ये आप देख सकते हो इस सेंसर का कपलर है, ये यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है जस्ट पेट्रोल टैंक के नीचे, ये आप देख सकते हो। तो इसकी जो वायरिंग है इसको हम लोग सही कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं दोबारा इसको स्कैन करके और फॉल्ट कोड को कैसे डिलीट करना है वो भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो गाड़ी अभी तो ये बंद कंडीशन पे है, दोबारा इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं कि इसकी जो चेक लाइट है वो जा रही है या फिर नहीं जा रही है। तो इसकी जो एक वायर है उसको हम लोग सबसे पहले टेपिंग कर लेते हैं क्योंकि उसको भी चूहे ने काट रखा है। और दूसरे वायर जो है उसको हमें सोल्डिंग करना पड़ेगा। इसकी जो ये वायर सोल्डिंग है इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं वायर जोड़ के, क्योंकि इसका जो कपलर है उससे जड़ से ही वायर को जो चूहे ने काट दिया है। बाकी अगर बात रही स्कैनर की तो स्कैनर स्कैन प्लस एक्स जो है इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल पे मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसका OBD2 जो केबल है वो अगर आपको परचेज करना है तो उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। आपको परचेज लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर इसका जो केबल है OBD2 वाला वो आपको ईजिली अमेजोन या फ्लिपकार्ट अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसका जो कपलर है ये हमारा ऑलरेडी सोल्डिंग हो गया है, तो इसको अब हम लोग अच्छे से लगा लेते हैं टेपिंग करके और फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब कपलर को जो है हम लोग गाड़ी में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो वाइट वाला कपलर है ये भी उसी जगह पे है, उसको भी लगा लेते हैं, और ये ब्लैक वाला कपलर जो है उसको भी लगा लेते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं स्कैन करके कि फॉल्ट कोड जो है वो हमारा डिलीट हो रहा या नहीं हो रहा। तो ये आप देख सकते हो कपलर जो है हमने लगा दिया है। तो चलिए अब गाड़ी को हम लोग स्कैन कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वो रेड वाले बटन को दबाकर। तो कपलर तो हमारा लग गया है, अब इसको हम लोग स्कैन कर लेते हैं। ये हम गए OBD2 फंक्शन में रीड फॉल्ट कोड में, अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। ये आप देख सकते हो अभी भी जो है ये करंट DTC में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब क्लियर करने के बाद दोबारा से इसको हम लोग स्कैन करते हैं कि देखते हैं कोई फॉल्ट कोड इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोबारा हम लोग जाएंगे OBD2 फंक्शन में, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ये मैच करेगा उसके बाद ही आपका ओपन होगा। इसमें जो है आपका OBD2 प्रोटोकॉल्स मैच होगा उसके बाद ही ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको रीड फॉल्ट कोड में जाना है और जेनरिक में जाके स्कैन करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर एक फेल्ड हो गया, ये चौथे नंबर पे जाके आपका मैच हो जाएगा, ये दूसरा फेल्ड, तीसरा, अब ये मैच हो जाएगा। ये मैच हमारा हो गया, इसको आपको ओके करना है, रीड फॉल्ट कोड में जाना है और दोबारा जेनरिक में जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसमें जो है अब नो फॉल्ट कोड डिटेक्टेड आ रहा है, ये आप देख सकते हो नो फॉल्ट कोड। अब मैं आपको गाड़ी में दिखाता हूँ कि चेक लाइट जो है इसकी गई या फिर नहीं गई। इसको हम लोग की को ऑन कर लेते हैं, ये हमने ऑन किया, ये आप देख सकते हो चेक लाइट आके चली गई। इसको हम लोग स्टार्ट करके भी आपको दिखा देते हैं, ये हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, ये आप देख सकते हो गाड़ी में जो है अब कोई भी तरह की चेक लाइट नहीं आ रही। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपके पास भी कोई स्कैनर हो, लॉन्च का हो या फिर स्कैन प्लस एक्स हो या कोई भी OBD2 स्कैनर हो, उससे आप BS6 बाइक हो या फिर स्कूटी हो उसको आप इजीली स्कैन कर सकते हैं OBD2 प्रोटोकॉल्स में जाके,
उसके लिए बस आपको वो केबल जो है वो खरीदना पड़ेगा। उस केबल को खरीदने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।